भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रबंधन के अनुभव से जुड़े सुझाव भी लिए गए और साथ ही साथ कार्य के अनुभव भी बताए गए। भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि मैंने कई राज्यों का चुनावी प्रबंधन देखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रबंधन मजबूत और सुदृढ़ रहा है। लेकिन वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में पूरी टीम ने सकारात्मक रुख रखते हुए निरंतर कार्य किया है। हम कह सकते हैं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पगफेरे ने राजस्थान के चुनावी समर में जान फूंक दी है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा और पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा मौजूद रहे। राजस्थान के जो अभियान है उसके माध्यम से भी राजस्थान के जनता के साथ मिल करके आंदोलन करने का काम किया। फिर परिवर्तन यात्रा, वह भी गांव-गांव धानी धानी पहुंची, उसमें भी खूब सफलता मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई, उन सभाओं के माध्यम से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पक्ष में माहौल बन गया और राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी रही। जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे काफ़ी भीड़ थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान देने के लिए उत्सुक थे। ऐतिहासिक मतदान और प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का अपूर्व समर्थन मिला है। जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजपा के साथ, विश्वास है मोदी जी और कमल पर, और यही विश्वास जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग स्वयं अपने साधनों से चलकर निकले, मतदान केंद्र पर आए, भाजपा को वोट दिया और फिर घर पर चले गए, वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण, वैसा का वैसा विश्वास अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। इलेक्शन एजेंट के मेरे कार्यालय में कतिपय लोगों ने धावा बोला, उसके बाद हम लोग भी पहुंच गए और उन्होंने जो मेरे पर आरोप लगाया था कि यहाँ बहुत नोट मिले, वो बाद में साफ़ हो गया। तलाशी भी ली, हमने खुद ने करवाई और ऐसी कोई बात है नहीं। मैं कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं 7 बार का विधायक हूँ, प्रतिपक्ष का नेता हूँ, जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। आरोप बेबुनियाद निकले और उसका नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशी को उठाना ही पड़ा। बड़ा हुआ प्रतिशत सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध में और मुख्यमंत्री जी की गारंटियों के विरुद्ध में। किसी जनता ने विश्वास नहीं किया और ये जब भी मतदान बढ़ा है तब उसका परिणाम ये जनता के जनता सत्ता को उखाड़ना चाहती है, इसी को लेकर।